गोपी घांगर जहां पर मौजूद हैं। दरअसल वहां पर इस वक्त काफी ज्यादा मौसम खराब दिखाई दे रहा है। गोपी आप अपना ध्यान रखिएगा, और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, इससे पहले जब आप उस अफसर से बात कर रही थी उनका ये कहना था कि लगभग 4 बजे के आसपास लैंडफॉल होना है और अभी 10 के लेवल का अलर्ट जारी किया गया है। कितने लेवल के बाद ये अलर्ट काफी ज्यादा खतरनाक बताया जाता है? देखिए 12 बजे से ये खतरनाक यहाँ पे हवाएं चलेगी, 100 के आसपास की जो विंड स्पीड है वो बताई जा रही है। और फिलहाल जो समुद्र से तेज हवाएं जो है, साइक्लोन का जो असर है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है, कैमरा लगातार हिल रहा है, लगातार दो लोग उसे पकड़ के खड़े हुए हैं, तब जाके जो ट्राइपॉड है वो लगा रहता है। तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त जो है वो यहाँ पे हवा चल रही है। आपको पेड़ भी दिखाने की कोशिश करूंगी, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो विंड स्पीड है वो करीब अभी मानी जा रही है कि 90 के आसपास ये विंड स्पीड चल रही है, जिसकी वजह से तेज हवाएं और खड़े रह पाना मुश्किल साबित हो रहा है लगातार इसी तरीके से। क्योंकि देखिए समुद्र में जो तूफान चक्रवात बना है उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे मांडवी में तक दिखने लगा है, और मांडवी के आसपास का जो इलाका है लगातार कल रात से ही यहाँ पे बारिश चल रही है। और आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त यहाँ पे हवा चल रही है कि खड़े रह पाना मुश्किल साबित हो रहा है। साथ ही समुद्र भी उफान पर है, और सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि लोगों को यहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो लोग पक्के घरों में है उनके लिए इश्यू नहीं है, लेकिन जितने भी कच्चे घर है उनको यहां से निकाल दिया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जाया गया है। देखिए हमें वो भी आप अपना ध्यान रखिए, किसी सुरक्षित स्थान पर आप रहिए, क्योंकि हम तस्वीरों के जरिए समझ पा रहे हैं कि कितनी तेज विंड स्पीड है कि वहां पर खड़े रहना और रिपोर्ट कर पाना इस वक्त काफी मुश्किल भरा सबब है। और साथ ही इतनी तेज हवाएं वहां पर चल रही हैं क्योंकि गोपी लगातार इस स्पॉट पर मौजूद हैं, ग्राउंड रिपोर्ट से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वहां पर लगातार जो तेज हवाएं चल रही हैं उससे किस कदर मुश्किलें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। गोपी आपकी इमेज भी अब थोड़ी सी धुंधली पड़ने लगी है क्योंकि जाहिर तौर पर कैमरे पर बारिश की बूंदे हैं, लेकिन इस बीच हम ये समझना चाहेंगे जिस अफसर से आप बात कर रही थी उनकी बातें बेहद महत्वपूर्ण थी। 4 बजे लैंडफॉल बताया जा रहा है, लेकिन इस बीच अभी काफी वक्त बचा है, लगभग 6 से 7 घंटे का वक्त है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी गई होंगी। मैंने आपसे पूछा था कि जो मछुआरे अभी भी विस्थापित किए गए हैं तमाम तटीय इलाकों से, उनको पुनर्वास करने के लिए, उनको दोबारा वहां पर पहुंचाने के लिए क्या तैयारियां हैं? गोपी इससे पहले कि हम गोपी का रुख करें, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि जहां पर गोपी मौजूद है दरअसल वहां पर अब खड़े हो पाना भी मुश्किल हो रहा है। किसी सुरक्षित स्थान पर गोपी पहुंच जाएंगे, उसके बाद मैं गोपी का रुख करूंगी क्योंकि लगातार वहां पर तेज बारिश और हवाएं देखी जा रही है। ये मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर हाई टाइड का अलर्ट लगभग 10:40 पर जारी किया गया है। तेज हवाएं लगातार भी महाराष्ट्र के कई कोस्टल एरियाज में देखी जा रही है। तूफान बिपरजॉय आज जखाऊ पोर्ट से टकराएगा और मांडवी में तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। पारस दामा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पारस देखिए लगभग 3 दिन का वक्त बीत चुका है जब हमने इसी तरह की तेज हवाएं और साथ ही हाई टाइड की आशंका लगातार मुंबई में बनी हुई है, लेकिन इस बीच में आपसे जानने की कोशिश कर रही थी किस तरीके की गाइडलाइंस महाराष्ट्र प्रशासन की ओर से दी गई हैं, साथ ही फ्लाइट्स के लिए क्या शेड्यूल्स चेंज किए गए हैं, क्या जो लोग समुद्र तट के किनारे अपनी रेड़ी लगाते थे, रोजमर्रा का कामकाज उसके आसपास करते थे, उनके लिए क्या निर्देश है? नेहा, जुहू बीच का ये इलाका है, ये आप अगर आप जाने तो ये पूरा इलाका लोगों से भरा हुआ रहता है। यहाँ पे लोग जो है अपनी रेड़ियाँ लगाते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ हर रोज पहुँचते हैं, यहाँ लोगों के जो छोटे छोटे स्टॉल्स हैं वो लोग लगाते हैं। बट जुहू बीच और ऐसे मुंबई में बहुत सारे चौपाटीज हैं जिनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यहाँ पे लोगों के आने को मनाही है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा ये तय किया गया है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि गोपी घांगर जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर इस
वक्त मौसम बेहद खराब स्थिति में, एक जगह पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर पाना भी मुश्किल हो रहा है गोपी वहां पर। अगर आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं, तो हमें ये बताइए कि वहां पर इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रही हैं, क्योंकि तस्वीर तो यही बताती है कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है अगले 6 से 7 घंटे में। बिल्कुल देखिए नेहा, तस्वीर तो यही बता रही है जिस तरीके से हवा की रफ्तार यहाँ पे चल रही है, हम खड़े नहीं रह पा रहे। लगातार आप एक बिल्डिंग के सामने आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे खड़े रह पाना, आंखें खोल पाना भी मुश्किल हो रहा है। और क्योंकि आपको दिखाती हूँ जिस तरीके से यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप 100 मीटर को देखेंगे तो 100 मीटर 100 मीटर तक का भी विजिबिलिटी नहीं है। यानी जिस तरीके से हवा और बारिश ये दोनों हो रहा है, और चक्रवात का जो असर है वो अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो चुका है। ये मांडवी का जो पॉट इलाका है वहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, लेकिन सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और गोपी, आपने जब रिपोर्टिंग यहाँ से शुरू की थी और मैं आपसे जानकारी ले रही थी, पिछले आधी घंटे में पूरी स्थिति, पूरा सूरत हाल वहाँ का बदल गया, अचानक तेज बारिश और इतनी तेज हवाएं। बिल्कुल देखिए, ये अब साइक्लोन का जो असर है वो धीरे धीरे शुरू हो गया है और 12 बजे हाई टाइड होगी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है पॉट का इलाका, वहाँ पे समुद्र का पानी आ जाएगा। कम से कम 7 से 8 फीट ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जब समुद्र का पानी आ जाएगा तो हम लोगों को भी बोल दिया गया है कि मीडिया उस साइड नहीं जाएगी जिस साइड समुद्र है। लेकिन ये सामने का इलाका आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे इस वक्त तेज हवाएं चल रही है। देखिए ये हवाएं इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल खड़े नहीं रह पा रहे हैं, लगातार यहाँ पे सब कुछ हिल रहा है। और पूरी तरीके से आपको ये एहसास हो जाएगा कि किस तरीके से चक्रवात जो है वो मालवी के आसपास के इलाके में यहाँ पे पहुंच चुका है।